जो आप बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में जिस तरह इंडियंस का बड़ा इन्फ्लुएंस है, या इंडियंस वन वे और दी अदर जो बड़े बड़े टेक फर्म्स में उनका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा हम सर्विसेज दे दे के मर गए हैं, हमारी लाशें गिरती रही, हमारे बंदे मरते रहे, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और आज अमरीका बाहर निकल के अब वो आपकी जो टूटी फूटी एड थी मिलिट्री की वो भी बंद करेंगे, आपके नेटो के आपके पास नहीं आएंगे फंड्स, और उसके बाद जो चीजें आपके पास अमेरिकन ओन है उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं जाएंगे। मेरा मकसद आपको भी मूड बना रहे हैं इम्बार्कोस और सैंक्शंस की तरफ। बिल्कुल ठीक है, उसमें पांचवा पॉइंट ये है कि एक यहां पे ये भी एक थ्योरी चल रही है कि हो सकता है अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहते ही ना हो और वो एक वैक्यूम क्रिएट करके निकले ताकि अफगानिस्तान दोबारा उसी खाना जंगी की पोजीशन में जाए, एक ये भी थ्योरी है यहां पे, ये भी सब चल रहा है। और दूसरा इसमें ये छठा पॉइंट जो है जो मुझे सबसे ज्यादा वैलिड लगता है वो ये है, आप अगर चाइना की तरक्की देखें तो चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उन्होंने पिछले अपने 50 सालों में जब से वो वहां पे रेवोल्यूशन आया, उसमें खासकर जब से उन्होंने वहां पे जोन बना के तिजारत को आगे किया, जब से उन्होंने ज़राइत को एग्रीकल्चर को आगे लेकर आए हैं, उन्होंने एक भी जंग नहीं लड़ी। हो सकता है अमेरिका चाहता हो कि वो भी जंग में आए। अब आपने देख लिया होगा कि चाइना किस तरीके से तालिबान के साथ इंटरेस्टेड है उस एरिया में, तो ये चीज, और जिस तरीके से इस वक्त चाइना जो है जितना अपना आर्मी डिफेंस के ऊपर खर्चा वो भी आजकल कर रहे हैं, और जो उनकी अगले दिन 100 इयर्स की एनिवर्सरी थी, एक घंटे की स्पीच थी प्रेसिडेंट शी की, उसमें भी उनका जरा गुस्सा नजर आया और उन्होंने कहा कि जी हमें मजीद किसी ने बुली किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और तीसरा इसमें एक जो मैं आखिरी मेरा सातवां पॉइंट ये होगा कि अमेरिका में इस वक्त जो लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारे इस वक्त दुश्मन सिर्फ रशिया और चाइना है, ये छोटी मोटी जंगें, ये छोटी मोटी चीजों में हमने ना पैसा जाया करना ना टाइम जाया करना, हमने अमेरिका और हमने रशिया और चाइना को टफ टाइम देना है। उसको टाइम उनके जेब में ये है कि हमारा मौशी इकोनॉमिक एनिमी जो है वो चाइना है और डिफेंस के लिहाज से हमारा मुकाबला रशिया के साथ, चाइना डजंट हैव अ कैपेसिटी टू कंप्लीट आर आर्मी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और रशिया जो है वो उसमें आगे है। तो ये जो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं, डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के वो, जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वाच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना को भी डिलीवर, चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है, सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, ये डेमोक्रेट के लिए माइंडसेट है। और उसको मैं साथ आर्गुमेंट ये दूंगा, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया में अमेरिका में इंडियन लॉबी इज राइट बिहाइंड इसराइल की लॉबी से, इस वक्त वो जो इंडियन डायस्पोरा इंडियन जो सेकंड जनरेशन लोग हैं उनका कंट्रोल है व्हाइट हाउस पे, वो उस तरीके से मैं मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा। अब उसके बाद जो रिपब्लिकन है वो यहाँ पे मैंने कुछ सेनेटर और कांग्रेस मैन उनको ये बयान देते सुना है कि वो विल हेल्ड जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल इन द फ्यूचर, कि जिस लापरवाही के साथ ये निकले वहां से, आपने जिस तरह देखा होगा बागराम एयरपोर्ट से रात के टाइम लाइटें ऑफ करके वो जहाजों में वहां से निकले हैं, बल्कि वहां पे 5,000 तालिबान प्रिजनर छोड़ के आ गए और बड़े कंटेनर छोड़ के आए हैं वहां पे जिनके अंदर आर्मामेंट्स मौजूद थे। ये यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के लोग ये समझते हैं कि दे वर नॉट केयरफुल, दे वर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, और सियासी हल भी वहां छोड़ के नहीं है। अगर तालिबान इतनी स्पीड के साथ उसको टेक ओवर कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वहां पे उसका कुछ सियासी हल निकालते, रिवाइज किया जाता दोहा एग्रीमेंट। ये रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो जनरल इस वक्त यहाँ पे हालात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर केयरलेस, उसकी वजह ये कंट्री इज डिवाइडेड ऑन ब्लैक लाइव मैटर और व्हाइट्स के दरमियान, इतनी बड़ी दीवार है और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है वो यूनाइट करने से कासर है, बल्कि वो यूनाइट करना भी नहीं चाहती, वो इसको मजीद डिवाइड करना चाहती है, जिसके रिजल्ट आप देख लेंगे, हमारा मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है 2022 में, उसमें नजर आ रहा है अभी तक कि उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हाउस सेनेट या दोनों में अपनी बढ़तरी वापस हासिल कर लेंगे,
और ये ऑलमोस्ट व्हाटएवर दे आर डूइंग राइट नाउ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इम्पैक्ट ऑफ कोरोना और इम्पैक्ट ऑफ दूसरी चीजों के 2024 में इस वक्त हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हालात में थोड़े से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो कैमला हैरिस है वो भी 2024 के इलेक्शन में इंटरेस्टेड है और वहां पे ये भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि बाइडन साहब 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अपनी सेहत की वजह से या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो रिपब्लिकन भी अपने पूरे जोर पर हैं और वो ये समझते हैं कि 2024 में वो विल कम बैक। तारसिब एक क्योंकि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिलते रहते हैं और आपने एक बड़ा होलिस्टिक सा एनालिसिस दिया है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वो पॉलिटिक्स हो जर्नलिस्ट हो सिविल सोसाइटी हो जो बाकी सोसाइटी है वो किस तरह चीजों को इस वक्त देख रही है खासकर पाक यूएस और ये अफगानिस्तान के हवाले से भी। लेकिन सर ये जरा बताइएगा कि जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा हम सर्विसेज दे दे के मर गए हैं हमारी लाशें गिरती रही हमारे बंदे मरते रहे हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो गया और आज अमरीका जाते हुए हम पे इल्जाम दे रहा है हमें तो वो थैंक यू नहीं बोल रहे तो और दूसरा हम पे ये इल्जाम लगाते रहते हैं डबल गेम करके पाकिस्तान और जो नैरेटिव उन्होंने बुला दिया आपको अफगानी भी हमें डबल गेम कहते रहते हैं फॉरगेट द अमेरिकंस। तो और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में जिस तरह इंडियंस का बड़ा इन्फ्लुएंस है या इंडियंस वन वे और दी अदर जो बड़े बड़े टेक फर्म्स में उनका इन्फ्लुएंस है या वैसे बाइडन हैरिस ने उनको हायर किया है फॉर रनिंग देयर ओन जो एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स हैं आप कैसे देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो डबल गेम की बात कर रहा है अमेरिका और जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े नारे मार दिए आप इसको कैसे देखते हैं कि अमेरिकन जो अवाम है लोग है वो भी इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं या कि वो बॉदर ही नहीं करते कि क्या हो रहा है लेकिन ये तासुर अभी किस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका की मदद नहीं की अफगानिस्तान में वरना कई लोगों का कहना है अगर पाकिस्तान फुली मदद करता जो कि पाकिस्तान कहते हैं हमने की है तो शायद जो है वो अमेरिका अफगानिस्तान में जीत जाता। उसामा बिन लादन बिलखसूस जब उसामा बिन लादन का पाकिस्तान से पकड़ा जाना सबसे बड़ा शॉकिंग वो था उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हमेशा डेफिसिट पे रहा। दूसरा तीसरी इसमें बात यह है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां इतनी मौजूद है 73 साल की आप क्या समझते हैं अमेरिका बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या करते हैं आपसे एक चीज ले दो चीजें साथ फ्री दे देते हैं आप। अब तीसरा उसमें मुझे ये बताएं आपके आपके मिनिस्टर साहब इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने अगले दिन पब्लिक टीवी पे बैठ के कहा है कि तालिबान की 5,000 फैमिलियां जो है वो भारागौरबाद और इस्लामाबाद आसपास बैठी है वो क्या आता है उसके इशू। अब आपके प्रेसिडेंट साहब असेंबलियों में तकरीरें कर रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह पे लेकिन आपके डॉक्टर मोइस साहब हैं उन्होंने अगले दिन एक और छोड़ी बात कि अमेरिका ने आज तक अंडे मांगे ही नहीं है मेरा मतलब ये सारा कंफ्यूजन। और उसके बाद सबसे मैं जो कुछ चीजें आपको बताऊंगा इंटेलिजेंस रिपोर्टों के हिसाब से आज की बात नहीं है कई सालों से जो अमेरिकन हमारी जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ उनका उनके बयानिए या रिसर्च में ये सारा बिल्कुल क्लियर लिखा गया था मेरी ओपिनियन नहीं है कि तालिबान एक दिन भी पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर चाहे वो लॉजिस्टिक हो चाहे किसी किस्म की एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मुझे अब आर्टिकल बुरा मैंने ये 4-5 साल पहले पढ़ा था और मुझे अगले दिन किसी ने अपने आपके जनरल हमीदगुल साहब का एक किसी ने मुझे एक पीस भेजा व्हाट्सएप पे तो जनरल हमीदगुल साहब हमारे नेशनल टीवी पे कह के गए थे कि हिस्ट्री एक दिन बताएगी कि अमेरिका ने ISI की मदद से पहले रशिया कराया और उसके बाद यह भी कहेगी कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को गिराया। तो ये अगर ये सारी चीजें आपके नेशनल टीवी और नेशनल आर्काइव्स पे मौजूद हैं तो आपका क्या ख्याल है अमेरिका या दुनिया सारी समझती नहीं है और जो पैसा एक साइड से आपके पास कंटेनरों में जाता रहा और आप जिस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदते रहे आपका क्या ख्याल है कि वो कोई ढकी छुपी बात है वो आपके पाकिस्तानियों से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकन तो फिर उनका कोई ना कोई सिस्टम होता है चीजें ट्रेस करते हैं चाहे जिस तरीके से भी मनी ट्रेस करते हैं आपके वहां पाकिस्तान में कुछ लोगों को यही नहीं पता चलता कि 25 अरब रुपया मेरे अकाउंट में कौन जमा करा गया। तो आप डबल गेम की बात करते हैं डबल गेम तो बड़ी मामूली सी चीज है। अब मैं अगले आज मैं सुबह बड़ा हंसा हूं एक खबर सुन के वो खबर ये थी कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में चाइना को लेकर जाएगा और चाइना में जितनी